सूरह यासीन। बाकायदा एक आलिम दीन नकल करते हैं कि जब मैं खिदमत इमाम में पहुंचा तो मैं उस जमाने में शदीद सख्त मुसीबत में मुबतला था, तो इमाम जमाना ने मुझे खुद सूरह यासीन पढ़ने की ताकीद की मुश्किलात में। और देखिए उसमें इमाम ने फरमाया कि इसमें मुबीन छः मुकामात पर आया है। देखिए एक अमल भी आप भी चाहें इसको कर सकती हैं। इमाम ने फरमाया सूरह यासीन में जो लफ्ज़ मुबीन है ये छः मुकामात पर आया है, तो जब भी तुम लफ्ज़ मुबीन पर पहुंचो तो उस मुकाम पर पहुंचकर अपनी हाजात तलब करो, तो खुदा तुम्हारी दुआओं को मुस्तजाब कर देगा। अच्छा, वो आलिम दीन जब उनकी इमाम से मुलाकात हुई उसके बाद वो घर आए तो उन्होंने फिर कुरान में देखा कि मुबीन, वो ज़रा हैरान और परेशान हुए कि मुबीन कुरान में 7 मुकामात पर आया जबकि इमाम ने कहा था 6 मुकामात हैं। फिर उन्होंने खुद ही गौर किया तो कहा, नतीजे पहुंच गए कि यकीनन जरूर भी जरूर इमाम तो गलती कर ही नहीं सकते। तो वाकई जो इमाम ने कहा था कि मुबीन लफ्ज 6 मुकामात पर आया और एक मुकाम पर अलिफ लाम के साथ आया अल मुबीन, तो इमाम ने लफ्ज सिर्फ मुबीन कहा था जो कि 6 मुकामात के ऊपर आया। तो फिर उन्होंने इसी तरीके से पढ़ा कि जैसे इमाम ने बताया था और वो दुआ फौरन मुस्तजाब हो गई। तो सूरह यासीन का ये अमल बड़े आपने आराम से सुन लिया कि दुआ मुस्तजाब हो गई और कुछ।